और से मुबारक पे आवाम उल्लास को मुबारकबाद पेश करूंगा और दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इस रियासत को इसके अंदर अमन व अमान पैदा करे, खुशहाली पैदा करे, तरक्की लाए। और जो हुकूमत, जो लोगों ने हम पे एतमाद किया है, पूरी रियासत, सबका रियासत जम्मू कश्मीर में और नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात को भारी अक्सरियत से कामयाब करके ऐवान के अंदर भेजा है, तो शुक्रगुजार हूँ। और मैं रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम से गुजारिश भी करूँगा कि वो हम सब के लिए दुआ करें कि जो उन्होंने हम पे भरोसा जताया, जो उम्मीद उन्होंने हम पे जताई है, जिस मेजॉरिटी से उन्होंने हमको कामयाब करके भेजा है, अल्लाह हमको तौफीक दे के हम उसमें उनकी तवक्कात पे उतर सकें। आज इस उर्स मुबारक के मौके पे जो 15 और 16 को यहाँ पे इनेकाद हो रहा है, उसके इंतजाम के हवाले से यहाँ की सिविल और पुलिस इंतजामिया के साथ हमने आज यहाँ पे इंतजाम के हवाले से जो है वो उस पर उसका रिव्यू लिया जाए और इंश्योर कराया जाए कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो हमारे साथ सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी और आवाम ने भी जो जो मामले बताए वो हमने वहाँ पे उसका पूरी तरह से जायज़ा लिया और ये इंश्योर किया कि उनके जो भी इंतज़ाम है इस हवाले से, ताकि सायरीन को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए बिजली यहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कैंप और सफाई के हवाले से जो बाकी मामलात हैं और इसके अलावा जो उनके रहने और खाने पीने का जो इंतज़ाम है उसके हवाले से वो सायरीन को कोई तकलीफ ना हो, वो मामला जेर गौर आया और उसमें हमने इंतजामिया को ये हदायत दी कि वो इस कल आपकी कयादत जो है कल आपकी में यहाँ एक सराय है, इसके वो सराय इनकम्प्लीट है, उसके उसके अपग्रेडेशन की बात आई तो वो हमने वो मामला जो है वो नोट किया। यहाँ पे एक इसी श्राइन जो है इसके जेर इंतज़ाम एक स्कूल है, उस स्कूल के लिए हमने उसके कंप्यूटर्स के लिए 5 लाख रुपए का अपने CDF में से आज हमने उसके ऐलान किया। उसके साथ साथ यहाँ पे एक लाइब्रेरी के लिए हमने 5 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया। यहाँ पे एक जो लाइट्स है, मैंने ये देखा कि स्ट्रीट लाइट जो है वो खस्ता हालत में है, तो हमने 2 लाख रुपया CDF अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में वो जो जिस वक्त भी वागुजार हो जाएगा तो 2 लाख रुपया ये सारी जो लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स, उनको बदलने के लिए, ताकि सार्फिन को आइंदा कभी प्रॉब्लम नहीं हो। जो अभी जो दिक्कतें हैं, जो लाइट वगैरह ख़राब है, उन लाइट्स के उसके रिपेयर के लिए हमने यहाँ पे PDG डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स थे उनको भी बता दिया, तहसीलदार साहब ने भी ये नोट कर लिया और वो आज शाम तक ठीक हो जाएंगी। तो जो बाकी उसमें जो मामले हैं वो नई लाइट्स हैं वो भी लग जाएंगी। यहाँ पे टॉयलेट कम्प्लेक्स की बात हुई, हमने उसमें भी उनके साथ कमिटमेंट कर दिया कि वो टॉयलेट कम्प्लेक्स भी हम बना देंगे। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आज शुरुआत है, हम इसको पूरा माइक्रो लेवल पे लेके और ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ डेवलपमेंट का डिफिसिट रहा है, जहाँ जहाँ बुनियादी सहूलियात लोगों की इस जो है वो उनके महरूम है, हम उन बुनियादी सहूलियात को आवाम तक पहुँचाने के लिए दिन रात काम करेंगे, इंतजामिया के साथ मिल के काम करेंगे, आवाम के ताउन के साथ, ताउन की ज़रूरत है, आवाम के ताउन के साथ काम करेंगे और ताकि हम सब लोग मिल के लोगों की जिंदगियों में राहत ला सकें, लोगों के जो काम है वो कर सकें, लोगों की मुश्किलात का अजाला कर सकें। यहाँ बिजली के बिजली के बिल्स का मामला आया तो हमने यहाँ पे PDG के हमारे
ऑफिसर्स थे, उनकी पूरी टीम थी, उनको ये बता दिया है कि ये बिजली का इशू जो है वो सॉर्ट आउट कर दीजिए। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि वो मंडे को एक रोस्टर निकालेंगे, हर पंचायत के अंदर वो जो है उन पंचायत के जो जितने भी वहाँ के सब ये अपने कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स को वो बुलाएंगे, नोटिफाई करके बुलाएंगे और उनके बिल्स का इशू जो है वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके अलावा स्कूल के स्टाफ की में कमी है, स्कूल्स की अपग्रेडेशन की बात है, कई ऐसे मामला आए, प्ले ग्राउंड के मसले आए और उसमें हमने एक प्ले ग्राउंड के लिए भी इनको हमने कह दिया कि अब ज़मीन आइडेंटिफाई कर दीजिए, हम आपको प्ले ग्राउंड देंगे। भुजनार की सड़क का इशू है, यहाँ पे वन पूरा उसको भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के मसले मसाइल हैं जो रोज़मर्रा के उनमें कमी ला जाए। सर आपकी क़यादत कल जो है वो लखनऊ में, कल हमें हमारे पार्टी के जो लीडर हैं, लेजिस्लेटिव पार्टी के जो हमारे लीडर जो मुंतखब हुए हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, कल वो गवर्नर साहब से शाम को उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हें जो कांग्रेस CPIM और आम आदमी पार्टी का वो जो लेटर ऑफ सपोर्ट है दिया और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट की। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बताया कि वेंसडे तक ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन